व्यूवर्स, आज आपको बहुत ही मज़ेकार और बहुत ही फनी यहाँ पे ड्रामा मिलने वाला है, जो जो कि चौधरी साहब और बेबो के ऊपर बनने वाला है, और आपने उसको एंड तक वॉच करना है। आप उस ड्रामे को बहुत इन्जॉय करेंगे कि चौधरी साहब और बेबो जब दोनों अकेले होते हैं तो उनकी किच किच कैसे कैसे होती है। आज आप सबको रियलिटी दिखानी है, तो उस रियलिटी देखने के लिए आप सब इसको वॉच करें। जल्दी से स्टार्ट ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो इस ड्रामे को आप इंजॉय करें। चौधरी साहब की कॉल आ गई है। वो किधर है छोटा? जा जल्दी आओ, जरा दरवाजा खोलो, बस चौधरी साहब आ गए हैं। दरवाजा, हाँ चौधरी साहब, एक मिनट वेट करो, वो लड़की को भेज रही, दरवाजा खोलता है। बस बस आ रहे, पता है मुझे गर्मी भी बहुत है। चलो जल्दी आओ, हमदा दरवाजा खोल दो। आपके बीच में कॉल आ रही, मैंने कहा पता नहीं आप घर में। मैंने कितनी बार आपको बोला कि जब मेरी कॉल आ रही हो पहले मेरी कॉल पिक करनी, दोस्त की कॉल कभी किसकी कभी, इतनी लंबी कॉलें करती हो, हद तो होगी। आपको नहीं पता कि मैं बाहर खड़ा, आपको मैंने मैसेज भी किया कि सॉरी सॉरी चौधरी साहब, सॉरी। नहीं आप सॉरी, इतनी गर्मी बाहर, मुझे पसीनो पसीनी हो गया, हद होती किसी की बात नहीं। एक आपकी दोस्ती नहीं खत्म होती। मैं थोड़ा सा लोग बना लूं यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रखो इसको, क्या करूं? जब भी आता हूँ फोन उठा लेती, व्लॉग बना लूं, व्लॉग बना लूं, तो व्लॉग का मतलब मेरे आने की कोई, आता जाता हूँ तो फोन उठा लेती। बंदा किसी को पानी पूछता है, कुछ गर्मी से आया, कुछ बात करता है, ब्लॉग बना लूं, ब्लॉग बना लूं। हमदा पानी का गिलास लेके आना जरा, पानी का गिलास लेके आना। पानी जब भी घर आता हूं, आगे आ गया फोन उठाया होता है, ब्लॉग बना लूं, जल्दी पानी लेके आओ। चीज की बंदा कभी ना फोन उठा देता है काम। चौधरी साहब रखो इसको उधर, नहीं तो मैं इसको वैसे ही मैंने तोड़ देना। चौधरी साहब ठंडे भी हो जाओ, आपका क्या मसला, क्या मेरे ब्लॉग के साथ आपको? यार बेटा मेरी जान, मैं भाई गर्मी से आया हूं, मैं यहां किस लिए आता हूं? आपके लिए आता हूं, आपके लिए। मेरे लिए आते, मुझे पता है उसकी वाइफ छोड़ के आते, मेरे लिए आते हो? आपके लिए आता हूँ, जब भी मैं आता हूँ आप फोन उठा लेती हो, हेलो व्यूअर्स, हेलो व्यूअर्स, ये व्लॉग व्लॉग आते होगी यार। जब से व्लॉग बनाना शुरू किया मेरी जिंदगी खराब हो गई। अच्छा चौधरी साहब आप पानी लो, ठंडी हो। ये सब लो चौधरी साहब। क्या है ये पानी? चौधरी साहब मैंने बेटा आपसे पानी मांगा, ठीक है, और आप जब भी आता हूँ आगे नौकरों को आवाज लगाती, आओ पानी ले आओ, खाना ले आओ, आज तो होती किसी बात की। तो पानी मैंने आपसे मांगा है साहब, मैं ही पानी दे रही हूँ। देखो मैं अपने हाथ नहीं, देखो मेरी, आपका काम था जब मैंने पानी मांगा था, आप उठ के जाती और पानी लेके आती मेरे लिए। अब उनके गंदे हाथ होते, पता नहीं वो हाथ भी धोते हैं कि नहीं, उनसे पानी मंगवा। तो इतने खूबसूरत तुम भी नहीं हो चौधरी साहब। हाथ धोती यार, बात मस्के ना लगाओ मुझे, पानी पियो चौधरी। खुद ला के लेती पानी, नहीं मैं नहीं पियूंगा, जब तक खुद नहीं लेके आऊंगी मैं नहीं पियूंगा। अरे अल्लाह मेरी टांग को इतना मसला, आपको पता है मेरी टांग सोई हुई है, मेरे से उठ के जाया नहीं जाता। ये अब और बहाना मिल गया, टांग टांग टांग, पहले व्लॉग 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 से जान, अभी छुट्टी नहीं और बीच में टांग ने आके स्यापा डाल। चलो मेरी जान पानी पी लो, फिर आगे से मैं खुद ही लाऊ करूंगी। आज के बाद जब भी मैं घर आऊँ, एक तो दरवाजा आपने खुद खोलना है उठ के, दूसरा पानी कहे बगैर बंदा पानी लेके आता है, घर में आग लगा पानी देना। ये तो गलत बात है, जब घर में बंदे खिचड़ी रखे इसलिए तो रखे दरवाजा। ओ यार बंदे रखे वो आपने रखे, ये बहस मेरे साथ ना करो, तुम्हारा मसला ही हर वक्त यही रहता है, जब आते हो उस वक्त लड़ाई लेके आते। बेटा मेरी जान ऐसी बात नहीं है, आप समझते क्यों नहीं मेरी फीलिंग? जब तुम आते लड़ाई के मूड में ही आते हो, और लड़ाई के मूड में नहीं आता मैं आता हूँ कि जाऊंगा अपनी जान के पास, थोड़ी देर बैठूंगा, बातें करूंगा, कोई दिमाग फ्रेश होगा, बाहर से पता नहीं किस किस के मथे लग के आता हूँ, और यहाँ आता हूँ तो आते ही हेलो वीवर, हेलो वीवर, हाथों की यार कर, मेरा दिमाग खराब है। ये तो मेरा काम है ना, ये तो मैंने कहा आपके तो बोलने की आदत का काम है, काम है, काम आपको तो आदत बन गई है। और जब से ये व्लॉग मेरे घर में आया मेरी जिंदगी खराब हो गई है, चुर चुर नहीं खत्म होती घर से, बंद करो इसको व्लॉग को बनाना। और चौधरी साहब क्या करो, घर में मैं फर्क बैठी होती और क्या करूँ, बना लेती इसमें तो कोई सहेलियों से बात, फर्क किधर बैठी, जब व्लॉग नहीं बनाना होता
शमीम की कर रही है, सैरिश की कर रही है, शाजिया की कर रही है, पूरे खानदान को फोन करेगी। एक घंटे से ज्यादा कॉल तुम्हारी चलती है, जब मैं फोन मिलाता हूँ फोन बिजी होता है। पहले तो आप आते ही नहीं है, जब आते हो तो लड़ाई के सिवा और आपका कोई काम नहीं होता। तो फिर मैं जब आऊँ आपका काम है फ्रेश रेडी होके बैठी होना, कोई व्लॉग ना हो, तुम्हारी तो हर बात मैंने माननी है ना, और मैं हस्बैंड हूँ आपका, आपको माननी पड़ेगी। हस्बैंड पता नहीं मेरे पास रात दिन रहता है। चलो जब जब दिल करता है, अच्छा तुम शुरू करो ना, मेरी बात मानना शुरू करो, मैं इधर ही रहूंगा। और फिर आप मुझे मरी लेके जाओ ना, तो ले जाऊंगा। अगर मेरी बात मानोगी तो ले जाऊंगा, अगर मरी जाके व्लॉग ही बनाना है तो फिर मैं नहीं लेके जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर रहना है तो इधर पक्का पक्का रहना, तो फिर मेरे साथ। अब मैं कब से आके बैठा हूँ, इस औरत को जरा सा भी सांस नहीं कि ये आया है, इसने पानी मांगा है, इसको अपने हाथों से दूं, नौकर से मंगाया और यहाँ रख दिया। चलो चलो सब पानी आप पी लो, फिर खाने का तो पानी ना पी लो, खाने का तो मीनार में चलते हैं, खाना मेरी जान क्यों नाराज हो रहे। अब अभी चलेंगे मीनार में खाने का, आपका काम है मेरा दिमाग खराब करना। मैं वैसा था आरामदायक गड्डी तो आके ले आ सर, गड्डी ने तो आके ले, तेल भी आप बच्चों को बुलाएगी ताकि बच्चे भी आके सुन ले के हाँ हमारी क्या बातें हो रही है। हाँ जी हाँ जी, इसकी आदत है। आज आज रात को चौधरी साहब आपके साथ मीनार चलेंगे, उधर खाना भी खाएंगे, मेरी जान कुछ भी हो जाएगी। खाना क्या खाएंगे, खाना टेबल पे आता है, ये खाना आके टेबल पे रख दिया है, कैमरा उठा लिया है, ये खाना आ गया है, ये खाना आ गया, ये खाना ठंडा हो गया है, क्या खाना खाए, खाना ही ठंडा हो जाता है, वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाती वहां जाके। अगर मेरे साथ कहीं भी जाना है तो वीडियो नहीं बनानी, अगर वीडियो बनानी है तो अकेली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चौधरी साहब ये कौन सी बात है, आप ये आप वीडियो बनाने कौन सी दुख वाली बात है, सब लोग बनाते हैं, अगर मैंने बना लिया तो क्या हो गया, जो मर्जी करो, जब मैं साथ हूँ वीडियो नहीं बनानी तो मतलब नहीं बनानी। ऐसे मेरे साथ ये मेरे साथ बातें जो है ना, मेरे साथ बनाओ ना, तो मैं फिर ना मैंने तुम्हारी ये बात माननी है। तुम कौन से इधर रहते हो, 15 दिन बाद आ जाते, कभी 8 दिन बाद आ जाते हो, तो आके मेरे ऊपर तुम ये मैं इसीलिए नहीं आता कि जब जाऊँगा बेगम साहिबा बिजी होगी व्लॉग में या अपनी सहेलियों के साथ है, अपने रिश्तेदारों के साथ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उसको फ्री टाइम दो ताकि व्लॉग बनाए, सहेलियों से बातें करें। यार तुम 15 दिन बातें करती हो, 15 दिन व्लॉग बनाती हो, अगर एक दिन नहीं बनाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा। चल चौधरी साहब चांद दे, इतनी लंबी बातें करने की क्या जरूरत है, अगर आ गए तो अभी मूड सही करो। चलो जब आते उतनी देर तो आप मुझे सुकून दे दिया करो। यार आता हूँ इसीलिए मूड सही करने के लिए, लेकिन आगे से जब आता हूँ वो उधर बच्चों के पास आप रहते हैं, जब तुम्हारा दिल दुखी होता तो मेरे पास आ जाते हो, उधर अपना सुकून से बीवी के साथ रहते हो, बच्चों के पास रहते हो, जब दिल जो तंग हो जाता है उस वक्त आके ये सारा कुछ मेरे ऊपर ही निकलना होता है। अच्छा चलो ठीक है, आपको पता है कि वहाँ से तंग होके आ रहा है, कम से कम आप तो इस चीज़ का ख्याल करो कि उधर से आ रहा है, डिस्टर्ब है, मैं ही ख्याल कर लूं, मैं इसकी तवज्जो दूं, मैं इसका ध्यान रखूं। बड़ा मेरे लिए आप ही नहीं रखती, बड़े मेरे पास फ्लावर लेके आए हो साथ, मेरे पर परफ्यूम लेके आए, बड़े मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो, तो आप फ्लावर हो ना तो मैं ले जाऊं करूंगा। अच्छा क्या हुआ मुझे, क्या हुआ नहीं, क्या हुआ मुझे, क्या हुआ है यार, यही स्यापा जब भी आता हूँ या स्यापे सर पे बैठे होते हैं, पानी मांगो वो नौकर को बुलाएगी, खाना मांगो वो नौकर को बुलाएगी, घर में आओ फोन उठा लेगी, हद होती हर बात की, ये सब चीजें ना मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, अगर ये सब चीजें करनी तो फिर व्लॉग ही बनाओ। चौधरी साहब किस मुसीबत में मैं पड़ गई, मुझे जब पता होता ना, मुसीबत हाँ ना, मुझे पता होता ना कि आपने ऐसे ही मेरे साथ हर टाइम जब लड़ाई झगड़े करते रहना है, तो मैंने आराम से अकेली रह लेना, तो आप अकेली रह लो, आप क्या है, मैं चला जाता हूँ, आप अकेली रह लो। अभी तो ये बात छोड़ो, अब जब बात ये लड़ाई करने वाली ये बात इस तरह मुझे अच्छी नहीं लगती। आप बात मैं आऊँ, आपने व्लॉग नहीं बनाना, आपको पता ना जिस चीज से मुझे चीड़ है, जिस चीज से मुझे एलर्जी है, आप वही काम करती हो, व्लॉग नहीं बनाना। आप जब मैं आऊँ अगर व्लॉग बनाना है तो ठीक है, खान को बोला करो, उसको बोला कि उधर दूसरे कमरे में बैठ जाए, मैं व्लॉग बना रही, जब आप फ्री हो जाओगी तो मैं जनाब के पास इधर हाजिर हो जाऊंगा, मैं नौकर हूँ आपका, मैं खादम हूँ आपका, आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। अच्छा चलो चलो आज आई गए ना तो अभी मूड खराब ना करो, चलो मेरा कोई काम भी है, मेरे दोस्त के घर में जाना है, तो चलो पहले उधर उठे थे, फिर रात को हम खाना खाने चले गए, मैं जरा तैयार हो जाऊँ सवर करके। अच्छा दोस्त कपड़े पहले, हाँ दोस्त के घर जाना, दोस्त के मेरी दोस्त है इधर रहती है, ये स्टाफ के साथ ही ना। अच्छा उधर उसके घर में जाना, तो अब जाओगे ना आपको पता चलो, ब्लॉग है ब्लॉग नहीं पे बनाना, ये तो मेरा काम है बनाने का, ये तो मैं बनाऊँ। अच्छा चलो थोड़ा सा बना लेना, मेरा नहीं बना। अच्छा
कुछ कहा कि मेरा व्लॉग ना बनाओ तो बाजी ने फिर स्टार्ट हो जाना है तो मैं इसलिए चुप ही हो जाता हूँ। ठीक है ना, उनसे तो सही बिजली करवाते हर जाते हैं। वो मेरी बड़ी, मेरा कोई डर नहीं है, आपको बड़ी बहन है, आप ही ने उसको भी लगाया। अच्छा, उसको भी आपने लगाया, आपको देख के वो लगी है। सही बात है, उसको तो बेचारी को ना ब्लॉग बनाना आता है, ना लिखना आता है, ना करना आता है, कभी कुछ किसी नहीं करना आता। जब जाती है उसको सिखाना शुरू कर देती है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ना उसके बच्चों की मिन्नतें करती रहती है कि ये वो अच्छा करते हैं, नहीं बनाते, जान छूटी रहती, बच्चों को कहती वो बनाते नहीं, अच्छा करते हैं। आप जब भी जाती है उसको सिखाना, तेरी तो वहाँ भी पाबंदी लगानी चाहिए, ना जाओ ना उसको सिखाओ, कम से कम कोई तो वो लोगों से बच जाए। सही है, ये लोग कौन से कोई? अच्छा, आप ये बताओ, आप क्या मिशन, आपको मूड ठीक है? आपका मूड ठीक है? अभी मैं बस तैयार होती हूँ तो हम चले, पहले दोस्त के घर चलेंगे, वहाँ से हम चले। मरी चले, आपने प्लान बता दिया, मेरा पूछा नहीं कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या प्लान है? अच्छा अच्छा, मैं खाने का तो कह रही हूँ, हम खाना खाने चलेंगे। मैं आज मेरा दिल कर रहा है कि आज हम मरी चले। अच्छा, दोस्त के घर पहले उधर चलते हैं, उधर से होके फिर चलते हैं मरी, खाना उधर दो दिन वहाँ रहेंगे। ठीक है, राम सुकून से, इतनी टेंशन है इधर घर में, उधर जाओ उधर टेंशन, इधर आओ इधर टेंशन, टेंशन है जान ही नहीं छोड़ती, ऑफिस जाओ वहाँ टेंशन है, मरी जाएंगे तो उधर राम सुकून से रहेंगे, फोन कर देने बंद, किसी टेंशन का फोन भी ना आए। ब्लॉग श्लॉग बनाना नहीं तो चौधरी तुम बहुत समझदार हो, तो क्या अपने जान के पास आपको मरी नजर आता और कुछ नहीं नजर आता, इसलिए तो तुम बड़े प्यार आपसे प्यार है। मैं कहता हूँ कि मैं और किसी के साथ नहीं जाता, अपनी जान के साथ जाऊँ और किसी के साथ। बच्चे कहते हैं मरी चलो, मैं कहता हूँ अच्छा चलो, चले जो आप लोग गाड़ी ले जो, चाचू के साथ चले जो, मैं जब भी जाता हूँ आपके साथ जाता हूँ, और आप फिर भी आता हूँ तो मूड खराब कर देती हो, जैसे ही आता हूँ फोन उठा लेती हो। मेरी जान, ये व्लॉग बनते रहेंगे, थोड़ी देर बाद बंदा बना लेता है, ठीक है कि नहीं? तो जरूरी तो नहीं कि जब मैं आके बैठता हूँ तो आप फौरन कैमरा उठा लेती, बाद में बना लिया करो, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, आप मुझे गुस्सा दिला देते। असल में चौधरी साहब, जब आप नहीं होते ना तो मेरा दिल जो है ना परेशान होता है, तो ऐसे मैं बोर होती, फिर मैं ऐसे वो लोगों के ऊपर जो लगी रहती हूँ, तो मेरा टाइम पास होता रहता है। अभी आप आएंगे, एक दिन दो दिन मरी रहेंगे, फिर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मैंने फिर फिर आप ब्लॉग भी बनाते हैं तो मेरी जान, अगर दो दिन आप ब्लॉग ना भी बनाओगी तो क्या होगा? मैं यही तो कह रहा हूँ। ठीक है, आपके साथ नहीं बनाऊंगी, चलो उधर अभी हो जाते आप, चलो तैयार शेयर हो जाए, चलते हैं आज मरी। हाँ जी, दो दिन वहाँ पे रहेंगे, किसी को ना बताना कि हम मरी जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पीछे फोन पे फोन आ रहे होते हैं, मरी चले गए हो, मौसम कैसा है, फलां कैसा है, फलां कैसा है, राम फोन बंद ही कर दो। ठीक है, ठीक है, जो भी मैं रेडी होती हूँ। बच्चे मैंने इतना तेज मेकअप नहीं करना, बस मैंने लाइट जा करना बकाया, उधर जाके फिर जाके मैंने हल्का सा मेकअप करना, ज़्यादा नहीं करना, जरा लुक चेंज करनी है आज तुम्हारे अंकल को खुश करने के लिए। अंकल के साथ मरी जा रही हैं आंटी? हाँ जी आंटी, मरी जा रही हूँ, क्योंकि इतनी दिनों बाद आया है, अभी अभी उसका मूड ख़राब हुआ। जल्दी जल्दी फिर रेडी हो जाए, प्यारा प्यारा सा मेकअप कर लें। हाँ तो जल्दी से परफ्यूम लगा ली है, आज मैं चल रही हूँ चौधरी के साथ, चौधरी साहब के साथ किधर जा रही हूँ? मरी। अब देखते हैं कैसे उधर एंजॉय करते हैं। और अब कब का मैं यहाँ बैठा हूँ, उसने घंटा लगा दिया, अब मुझे शक है कि उधर जाके तैयार कम होगी, व्लॉग बना रही होगी। इस औरत ना जहाँ जाती है व्लॉग व्लॉग व्लॉग, अब आने दो इसको। हाँ तो चल साहब, मैं तैयार आ गई हूँ, आओ जरा बैठो। हाँ हम जल्दी से अभी तैयार, अभी निकले, अभी घंटे करना है। आप तो तैयार होने गई थी, परस उठा के आ गई, घंटा हो गया आपको तैयार होने के लिए। आप वो चौधरी साहब, मैंने थोड़े से शॉर्ट बनाने थी ब्लॉग के ना, वो बनाने क्या हो, फिर वही काम शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना ब्लॉग नहीं बनाना, फिर ब्लॉग शुरू कर। जाने तो चौधरी साहब, ये भी काम साथ साथ है, आप तो ऐसे ही ना
खाम खा से लड़ाई करते रहते। जब मैंने जान यहाँ से आपको बोला है तो ब्लॉग नहीं बना। चलो इधर मैंने बना लिया आपके साथ, उधर नहीं बनाऊंगी। जब आप सो जाओगे तो मैं बना सकती हूँ। हाँ मेरे सोए का बनाती रहना, ये चौधरी साहब सो रहा है ये खराटे ले रहा है, ये मेरी टेंट उधर दिखाती रहना। हाँ जी मैं उधर जाके तो बना लूँगी, जब आप सो जाएंगे उस वक्त मैं बना लूँगी। जा आगे पीछे कुछ टाइम मिला नहीं तो नहीं, आपको नाराज नहीं करती। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हाँ जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपने तारीफ कर ली है मेरी। आप जान क्लासेस नहीं लिए? हाँ जी क्लास नहीं लिए। लोग के लिए लिए होंगे, मेरे लिए तो नहीं लिए। नहीं छोड़ साहब ऐसा रखना पड़ो। हाँ तो मैं लोगों के लिए लेती हूँ हर चीज़, वो लोगों में लगाती हूँ दिखाती हूँ। ये मेरे कपड़े देखो, ये मेरी दुपट्टा देखो, ये अलग देखो, वो लोगों के लिए सब कुछ। चौधरी साहब तू उसी मेरे लोगों को नजर ही लगा दे, नजर लगा दी। यूट्यूब हर टाइम खिंच 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 पाई रखे। मैं कहता हूँ यूट्यूब बंद। अच्छा मेरी बात सुनो, जब आपको पता है कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है और आप कपड़े ये कलर के पहन के आ गए, कम से कम मुझे खुश करने के लिए ब्लैक सूट पहन के थोड़ा मेरा मूड अच्छा हो जाता। तो छोटे हमने रात को और मैं भी पहन के आ जाती। नहीं आप रहने दो, आप सारा टाइम इधर ही जाया करें बेजानी। तुम चाहती हो कि आधी रात को मरी पहुंचे और जाते ही तुम वापस हो जाओ। चलो मैं उधर जाके जो साफ पहन लूंगी, अभी तो मैंने हल्के से ऐसे तैयार हुई उधर जाके। मैं अभी ब्लैक सूट साथ मैंने रख लिए हैं, ब्लैक सूट भी रख लिए उधर जाके। रेड सूट भी मेरी जान, मैंने रेड सूट भी जो हमने इकट्ठा नहीं लिया था फैसलाबाद से, वो भी मैंने रख लिया है। तो सारे कलर आपके पसंद के रखे हैं मुझे पता है। ये तो मैंने अभी सफर कर, क्योंकि गाड़ी भी तो मुझे चलानी पड़नी है। मैंने इसीलिए नहीं सीखी कि ये टेंशन आप लो। अगर आपको गाड़ी ना चलानी, मैंने चलानी होती तो आपने तो मेरा जीना हराम कर देना। मैंने इसलिए कहा कि चलो ये कपड़े रास्ते में सारे पट जाएगी, उधर जाके मैं जो है ना अच्छे से जो प्रेस करके गाड़ी में रखेंगे उधर जाके अच्छे से पहन कर भी जाऊंगे। ठीक हो गया, अभी अभी अब रास्ते में मूड ख़राब नहीं करना। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मूड सेट किया है, कोई ब्लॉग कोई कुछ नहीं करना, बस गाने सुनेंगे बातें करेंगे एंजॉय करेंगे। नाराज हो गए मेरी जान, आप ऐसे ही करती हो। आप क्यों नाराज होते हो? आप ऐसे करती, मैं इसलिए नाराज होता हूँ। नहीं आप तो छोड़ दो छोटी साहब, इतना अच्छा मूड बना हुआ है मरीज जाने के लिए, तो आप ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे तो ना करो ना। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगा आपने भी करना। ठीक है डन करो ना, आपने मूड खराब करना है ना ही मैं करूँगा। ठीक है, राम स्कूल से घर पहुँचने तक मूड नहीं खराब। नहीं नहीं छोटी साहब नहीं करूँगा, तो अभी चलते हैं जाएंगे मरी इंजॉय करना। ठीक है व्यूअर्स, जय बेबो जय चौधरी। यस बेटा और मैं चौधरी साहब। अच्छा जी, हमने चौधरी साहब की जो रियल एक्टिंग थी ना, जैसे रियल में होता है वो हमने करने की कोशिश की है। अब अगर चौधरी साहब कहीं नाराज ना हो जाए, नहीं चौधरी साहब नाराज नहीं होगा। नहीं चौधरी साहब और रेडी नाराज है। अच्छा अच्छा, वो परसों मैं उनके साथ बात कर रही थी, मैंने उसको कहा ठीक है अब हमें पता नहीं कोई ब्लॉग करना था क्या करना था, मैंने कहा ठीक है अब हमने वो करना है ओके। उन्होंने कहा ले ओके क्यों, मैं बात कर रहा हूँ तो बात करो। मैंने कहा चौधरी साहब हमने ब्लॉग उसके चौधरी साहब सच्ची है मुसीबत है। कैसे बोला था। अच्छा चौधरी साहब को ब्लॉग से बहुत एलर्जी, जब वो घर आते हैं ना, मैं अगर ऐसे फोन लू खा ये तो हमने काम किया, वो ऐसे छीनते ठक मार के मेरे फोन टूट गए, मार के मेरे फोन टूट गए। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। आपने थोड़ा सा जरा वो करने की कोशिश की है, मेरी बालियां बाजी छिपा रही थी, कह रही थी छिपा लो तुम पूरा लड़का। मैंने कहा कपड़े मेरे लड़कियों वाले, हम ढूंढ रहे थे कि कोई जेंट्स ड्रेस हमें मिल जाए ना, जेंट्स ड्रेस नहीं मिला, फिर इसलिए मैंने ये वो चिन चिन मुछे नहीं बनाई। मैं कहा मैं तो वही हूँ, तो इसलिए फिर ऐसे ही ठीक है। ऐसे थोड़ी सी हमने एक्टिंग की है, आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। हम ऐसे ही जो अभी हम आगे को प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो आप विवाद को खुश करने के लिए हम 10-15 दिन को खुश करने के लिए अपने आप हम 20 दिन के लिए यहाँ से हम जाने वाले हैं कई जगह पे, फिर उधर आप लोगों को नए जो है ना नई नई चीज़ें दिखाएंगे। क्या है कि तो मैं सच्ची मुच्ची बंदा ही ना बन जाऊँ कि तो मैं सच्ची मुच्ची बंदा बनना, कि तो शमीम मैनू ना पसाल होए, चौधरी लभदा ही रहो मेरी बेबो की तो कोई बात नहीं, बेबो ढूंढ लेंगे फिर।
अच्छा नहीं बेबो ढूंढेंगे, नहीं बेबो नहीं मिलनी, हाँ लड़की को मिल जाएगी। असल में बात जो बंदे का जहाँ दिल लगा होता है ना, वो जितना मर्जी किसी को और ढूंढे वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, सही बात, वो नहीं मिलता। जिधर जिधर किसी कोई है उसको नसीब मिला है, हम तो दुखी है, हम नहीं चाहते कि दूसरा भी दुखी हो, हम भी दुखी हो गए, लेकिन हम तो दुआ ही कर रहे हैं कि हम दूसरे लोगों के लिए दुआ करें। अच्छा हम जितनी भी सहेलियां अंदर से बेचारी सारी दुखी है, ऊपर से सारे मर्द भगोड़े हुए हैं, सबके हस्बैंड ने सही, जिसका हस्बैंड नहीं है वो बेचारी तांग है, जिसका है उसने भी डंडा दे के रखा हुआ है। अब देखो छोटी सी बात थी, मैंने कहा चोरी सबको छोटा सा काम करना वो कर ले, उसने कहा ना 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 काम बाद में, पहले बात, पहले मैंने कहा यार हद होगी इस बात में, उसने कहा ओके बाय, जब वापस इस्लामाबाद पहुंचोगी तो मुझे बता देना। उसके बाद मैंने कितने उसको एसएमएस किए, मैं अभी दिखा छोड़ा नहीं देखा, बात सुनो चौधरी की आदत बन चुकी है, आप उसको अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, और इसके ऊपर ये बिल्लू हुआ तो उसने सुने ही नहीं है, ये देखो ये मैंने उसको मैसेज किया, उसने एक भी मेरा चेक करके नहीं देखा, उसका काम ही ये, चलो अब उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और हम जो है ना इंशाल्लाह कल परसों में वापस भी जाने वाली हूँ इस्लामाबाद भी, उसके बाद हम प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की, 15-20 दिन का टूर है हमारा बन रहा है, बच्चों को छुट्टियां हो रही फिर हम जाएंगे, तो बस इतनी देर में जल्दी जल्दी तैयारियां शेयर करते हैं, इस्लामाबाद जाके मैंने कुछ चीज़ें शीज़ें खरीदनी है, जो बाजी कह रही क्या वो जाके सामान पूरा करो, उसके बाद जब क्योंकि पहले तो हमारा गाड़ी का सामान बहुत सारा चोरी हो गया गाड़ी के साथ, अभी नया बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं वो निकालूंगी और कुछ चीज़ें जो है वो न्यू खरीदूंगी गाड़ी के मुताबिक, तो फिर हम सोच रहे हैं कि हम कैंपिंग शैम्पिंग करेंगे तो आप सबके साथ शेयर करेंगे, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चौधरी साहब के लिए अच्छा कमेंट्स करना है मेरे लिए, समझ गए, हाँ बेबो ना लगे रहो जो मर्जी बेबो के साथ जैसे मर्जी लगे रहो, मेरे लिए अच्छा कमेंट्स करना है। हाँ जी, तो मैं आज कोई बात तो नहीं, ऐसे ऐसे को उठाते कोई है ना, मैं आज चौधरी था। हाँ जी बेबो तो बेबो ही है, चौधरी साहब कोई बात नहीं, अच्छा कमेंट्स करना भी, चौधरी साहब खुश हो जाए। हाँ जी ये ब्लॉग में उसको ऐसे ही कह रही हूँ, तो चौधरी भाई नाराज नहीं होना, नो प्रॉब्लम, आप भाई कहो जो मर्जी कहो, मेनू कोई टेंशन नहीं, नाल हो गए बहु मैं चौधरी हूँ। बाय बाय।